kulang sebahagian apa kita azal bandar. Kita berada padu. In English medium school. Today, drug addiction and drug abuse. Drug abuse not only the delicate youth, but the entire population of the country. Earning millions of dollars prohibited by the government, except for medical purpose. These are most turbulent, which no doubt your momentary enjoyment. But eat away slowly the most delicate part of one's body. Affecting discipline of the developing society and the nation progress. Just to be permission. Some of the narcotic drugs which this patient can... ...deekte hain, aapke nazre ki daan deekte hain. Mustafun, Bhargav, MS Bhargav, Mustafun. Pay back for refreshment. ...the drug is next. Most of these who start taking drugs are socially maladjusted persons. Some of them are unemployed and frustrated. The government is duty bound to make a choice. Sirs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you to give me such a great opportunity to say something about Anti-Drug Day. My name is Azmat Gulzar. I am reading class 6th at Middle School Bangam Chaturgul. Nowadays, drug addiction is a very severe problem around the whole world. The drug is not a dangerous substance itself, but people misuse it in many ways. It is highly dangerous and can cause serious health issues if one takes it on a regular basis. In reality, the drug has many positive sides. It is known to serve as medicine or medication of many kind of chronic diseases. There are many kinds of drugs that help us in the treatment of... मेरा नाम सानिया रफीक है. मैं एवरग्रीन पब्लिक इंस्टीट्यूट कवारीगाम से आई हूँ एंड मेरा क्लास जो है वो 8th है. और जो यहाँ पे असेंबली हुई है इस ड्रग एडिक्शन के लिए हुई थी, और ये इसलिए हुई थी ताकि हम जो हर जगह दुनिया में अभी ड्रग एडिक्शन जो हो रही है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज कश्मीर में भी जो है बहुत ज़्यादा इसका जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है. हम रिसेंटली हमने एक न्यूज़ में देखा था कि 16 लाख पीपल अफेक्ट हुए हैं ड्रग एडिक्शन से इन कश्मीर. तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाए, ड्रग एडिक्शन जो है उसे हम रोकें. एंड दैट इज़ द मेन जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर रखने का, कि हम ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करें और इसे आगे बढ़ने से रोकें, ताकि हमारी यूथ जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखे और आने वाली जनरेशन को भी वो इससे बचाए. उनके लिए कि उनकी लाइफ पड़ी है, जो उनके ड्रीम्स हैं वो उनको अचीव करें. और उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि उनके भी पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने उनके लिए ख्वाब देखे होते हैं, और उनको उस पर फोकस करना चाहिए, उनको उस पर वर्क करना चाहिए. इससे बेहतर वही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ड्रग्स लेके. वो सिर्फ अपने सपनों को, उनके आगे पूरी दुनिया पड़ी है, उनको उस पर अपने फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स पे, और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए सिवाय इस ड्रग्स के. इस ड्रग्स को उन्हें रोकना चाहिए, और इससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है. तो इसमें मुलाविस है, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स होती है. तो हम पेरेंट्स को भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी टाइम से पेरेंट्स भी इस का रीज़न बन रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं. तो उन्हें देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं. दे शुड गिव देम प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम. तो उससे शायद रुक सकता है, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ और लड़के दोनों मतलब उनको घर का प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है, उनको गाइड नहीं किया जा रहा है अच्छे से. तो उसकी वजह से वो थोड़े से डिसगाइड हो रहे हैं. अदरवाइज उनको हम रोक सकते हैं इस चीज़ से, उनको गाइड. ये प्रोग्राम करने का मकसद हमारा लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों में जानकारी पैदा करना है. जो कानून है, जो यहाँ पे ख़ास तौर पर जो ड्रग एब्यूज़ है, उस टॉपिक को लेके हमने ये एक डिबेट करवाया छोटे बच्चों की, जिसमें क्लास 6 और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों ने सर. मकसद ये था कि बच्चों में एक बेदारी पैदा करना कि ड्रग्स जो होते हैं उनके एब्यूज़ से आपके क्या नुकसान हैं, उनके एब्यूज़ से आपकी सेहत पर कैसा असर पड़ता है. क्योंकि देखा गया है कि जो टेंडर एज होती है, जो ये टीन एज में बच्चे होते हैं, ये ड्रग्स के यूज़ और अब्यूज़ में अक्सर फंस जाते हैं, और उस वजह से फिर अपने सेहत और अपनी जो है मेंटल हेल्थ जो है उनकी ख़राब हो जाती है. उनकी सेहत और मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, और वो इस अब्यूज़ से, इस ड्रग एडिक्शन से फिर निकलने से
कासिर रहते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हमारी है उसके ज़रिए फिर मुख्तलिफ अज़ला में हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, फिर हमारी तहसील लेवल कमेटी जो है वो तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी है, उनके हमारे जज साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं, तो उनके ज़रिए ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ करवाए और इसमें जो है स्कूल्स और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उनकी कलेबरेशन के साथ ये हमने प्रोग्राम किए। और आज जो था ये हमारे ZDO साहब ने, हम उनके मशकूर हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया और मुख्तलिफ स्कूलों